बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त के बाद खैर खैरियत से हैं। मैं हूँ मोहसिन अशफाक और मैं एक दफ़ा फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। और दोस्तों, आज का जो अनवान है वो है गोलड़ा शरीफ जंक्शन। जी दोस्तों, आज मैं आपको गोलड़ा शरीफ जंक्शन की डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा कंप्यूटर पर, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला लज़ीज़ आपको ये डॉक्यूमेंट्री, ये वीडियो, ये रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतना करना चाहूँगा कि वीडियो को ख़त्म तक देखिएगा, ताकि मैं आपको इसकी तफसीलात और इसकी तमाम मालूमात फ्राहम कर सकूँ। इस साइन बोर्ड से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जंक्शन किन अगले जंक्शन और स्टेशंस के साथ कनेक्ट होता है। टैक्सला, हरीपुर, हवेलियां, अटक, खुर्द, नौशहरा, पेशावर। दोस्तों, गोलरा शरीफ जंक्शन, हाइट अबव मीन सी लेवल 1994.80 फीट, सतह समंदर से 1994.80 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको गोलड़ा शरीफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीरों के पीर हज़रत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और हज़रत पीर नसीर उद-दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मौजूद है। लिहाजा इस इलाके को गोलड़ा शरीफ कहा जाता है। क़बल अस पाकिस्तान ये एरिया गोलड़ा के नाम से मशहूर था और सिख कम्युनिटी की पावरफुल जोन या ताकतवर तरीन इलाका तस्वर किया जाता था। 1881 में ब्रिटिश दौर, बरतानवी हिंद के दौर में इस जंक्शन का इफ्तिताह हुआ था और 1912 में इसको जंक्शन का दर्जा दे दिया गया था। इस जंक्शन को बनाने का जो मेजर टास्क था वो था खैबर पास से कनेक्ट करना। लाहौर की लाइन को, दिल्ली की लाइन को खैबर पास के साथ कनेक्ट करने के लिए इस जंक्शन का क़याम अमल में आया और एज़ यूजुअल ब्रिटिश इंजीनियर्स ने माहिराना सलाहियत के ज़रिए से इस जंक्शन को बनाया। हसीन अजमीन नज़ारों को आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं दोस्तों। ये आप मेमोरेंडम की एक बोगी देख सकते हैं जिस पर इंस्पेक्शन कार लिखा हुआ है और इसकी हालत से आपको मालूम हो रहेगा कि बैक टू 1950s 1960s की दौर की बुगी है। मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं NWR की बुगी भी है और कंडीशन से पता चल रहा है कि काफ़ी पुरानी है। इट्स ऑलमोस्ट। ये एक और मेमोरेंडम को आप देख सकते हैं जो कि बबूल के दरख्त के साथ इंजेक्ट हुआ हुआ है और इस दरख्त की हालत को भी आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो कि इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि कम से कम ये 500 से 600 साल पुराना दरख्त है। मेमोरेंडम को आप देख सकते हैं, इंजन नंबर है 207, ZB कंपनी का है। ये एक और क्लासिकल बुकी को आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, बैक टू 1960s 1950s। और आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि असर के अज़ान का वक्त भी हो गया। वेरी ब्यूटीफुल 7027 बोगी और लोको। पाकिस्तान से पहले की बोगीज़ और क्या मैं पाकिस्तान के बाद की बोगीज़ काफ़ी मिकदार में मौजूद है जो कि विजिटर्स को एंटरटेन करती है इस रेलवे जंक्शन में। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई, अब मैं आपको कोहाट एक्सप्रेस का अराइवल दिखाऊंगा गोलरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो आप मेरे साथ होंगे। जी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कोहाट एक्सप्रेस मंजिल की तरफ गामजन है जिसको मैं कैप्चर करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंप्स भी लगे हुए हैं जो कि हमें बरतानवी दौरे अहद की याद दिलाते हैं। ये रेलवे जंक्शन भी बरतानी दौरे अहद का एक अजीम शाहकार है। आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि अभी इन लैंप्स में बल्ब नहीं लगे हुए, लेकिन ये लैंप्स हमें उस अजीम दौर की याद दिलाते हैं जिस टाइम अंग्रेज़ इस खित्ते में होते थे। गोलड़ा शरीफ जंक्शन, इस्लामाबाद। हसीन अजमीन नज़ारों को आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं दोस्तों। आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं नौजवान कैसे रेस ले रहे हैं मेन प्लेटफॉर्म मेन ट्रैक से कैसे मोटरसाइकिल को लेके जा रहे हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मेरा इनको ये मशवरा नसीहत है कि इतना रिस्क मत लें, एहतियात करें, थोड़ा सा लंबा कट मारें, लेकिन अपनी कीमती ज़िंदगी को बचाएं। आपको सिग्नल नज़र आ रहे होंगे जो कि अभी स्टैंड बाय मोड पे हैं। जब ये ड्रॉप डाउन होंगे तो इसका मतलब होएगा कि गोलरा शरीफ जंक्शन में या तो ट्रेन की आमद होएगी या फिर ट्रेन की रवानगी। होपफुली हज़ारा एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल होने वाला है आपसे कुछ देर में, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। हज़ारा एक्सप्रेस की आमद आप देख सकते हैं। काम करेगी गोलरा शरीफ जंक्शन में, उसके बाद ये अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन कराची के लिए रवाना हो जाएगी। अगला पड़ाव रावलपिंडी रेलवे स्टेशन होगा इस ट्रेन का। और दोस्तों, इसी के साथ हज़ारा एक्सप्रेस अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार होगी और गोलरा शरीफ रेलवे जंक्शन से रवानगी कर रही है। हज़ारा एक्सप्रेस डिपार्ट फ्रॉम गोलरा शरीफ जंक्शन। खुदा हाफिज़ हज़ारा एक्सप्रेस, खुदा हाफिज़ गोलरा शरीफ जंक्शन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब को मेरी ये पेशकश ज़रूर पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आप इसको मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम वॉच और मैक्सिमम सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ़ से, मोहसिन अशफाक की तरफ से अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।